Hello everyone, this is Richa Bansal from Khandwa. My age is 30 years and I am a housewife. मैं आपसे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड जो कि एक डायबिटिक एजुकेटर है, मिस्टर राहुल बंसल, उन्होंने मुझे एक 7 डेज चैलेंज जो कि DIP डाइट से है उसके बारे में बताया. जब मैंने उस बारे में जाना तो पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें लंच एंड डिनर के पहले कुछ अमाउंट में सैलेड्स खाने होते हैं एंड ब्रेकफास्ट में सब कुछ छोड़कर आपको फ्रूट्स खाने होते हैं कुछ क्वांटिटी में. तो मैंने ये सब कुछ पहले नहीं किया, सो आई थॉट कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बट जस्ट फॉर सम चेंज और फॉर अ वन चैलेंज आई एक्सेप्ट दैट एंड आई डू दैट, आई फॉलो दैट एंड आई रियली फील वेरी ड्रेस्टिक चेंज इन माई बॉडी एंड आई फील लाइक अ न्यू फ्लो ऑफ एनर्जी, लाइक फुल ऑफ स्टेमिना, फुल ऑफ कैपेसिटी. और मुझे बहुत लाइटनेस लगा, मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत लाइटली फील करने लगी थी, बिल्कुल हैवीनेस नहीं, कुछ नहीं. मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा. और फिर कुछ ही दिनों बाद मुझे 3 डेज चैलेंज ऑफ फ्लूइड डाइट के बारे में बताया, जिसमें एक दिन में आपको कोकोनट वाटर एंड साइट्रस फ्रूट जूस सिर्फ इसी पर निकालना होता है पूरा दिन. सेकेंड डे आपको फुल डे उसी पर एंड इवनिंग में आपको कुछ अमाउंट में सैलेड्स. एंड थर्ड डे कोकोनट वाटर, साइट्रस फ्रूट जूस, सैलेड्स एंड होम कुक्ड वेजिटेरियन फूड. फर्स्ट डे मुझे थोड़ा लास्ट में, फर्स्ट डे के कुछ एंड तक मुझे थोड़ा वीकनेस लगा, ऐसे लगा जैसे अब सेकेंड डे नेक्स्ट डे मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा भूख जैसा या थोड़ा कमजोरी जैसी लगने लगी थी. बट सेकेंड डे जब मैंने वापस उसे कंटिन्यू किया, कोकोनट वाटर पिया, तो ऐसे लगा जैसे कुछ न्यू एनर्जी वापस फ्लो हो रही है, मतलब कुछ एकदम ऐसे स्ट्रांगनेस जैसा फील होने लगा और फ्रेश एकदम और अच्छा फील होने लगा. इसलिए फिर मैंने उसे पूरे दिन, पूरे 3 डेज तक कंटिन्यू किया. वो एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा और ऐसा लगा कि हम अपने बॉडी को लाइट करने के लिए या फिर जो फैट्स हमारे अंदर जमा होते हैं, यदि हम उसे निकालना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं, तो ये डाइट्स हमें कुछ बीच बीच में करने चाहिए. 3 डेज वाला चैलेंज 3 डेज के लिए ठीक है, उसके आगे नहीं. लेकिन ये 7 डेज वाला जो DIP डाइट है वो रेगुलर रूटीन में यदि हम करें तो इससे जरूर अफेक्ट होएगा, ऐसा मुझे लगता है. और मैं ये करते आ रही हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है. सो इसे कंटिन्यू हम रख सकते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं उसे ये जरूर करना चाहिए. मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव रहा. थैंक यू, बाय बाय.